ये देखिए, ये हर गाने में नई शायरी पहन के आ जाती है, उसी कपड़ों में जिसमें घर से चला था अभी तक आपके साथ। अच्छा, ये उसकी बात हो रही है सफर की। I wonder how many of you have gone on a journey and you got so absorbed in that journey that you even forgot the destination where you were going. आपको इतना मजा आया कि आपको याद नहीं रहा आप कहाँ जाने के लिए निकले थे, और जब पीछे पलट के देखा तो मंजिल पीछे छूट के हम आगे निकल गए थे। तो हमारे ख्याल से हमारा म्यूजिकल जर्नी कुछ ऐसे ही चल रही है ना। आपको मजा आ रहा है इस म्यूजिकल जर्नी में हमारे साथ? थैंक यू। तो ये जो अगला गाना पेश करें, ये अगले वॉर है, और इसमें एक पैरेलल मेरी गाने पे जो स्क्रीन पे चल रहा है गुरुदत्त है वहीदा रहमान, मगर एक पैरेलल स्टोरी रियल लाइफ की चल रही है, और वो ये है कि आप ये इमेजिन कीजिए कि ये गुरुदत्त और गीता दत्त की मैट्रिमोनियल लाइफ में इतना ज़्यादा हो गया कि गीता दत्त जो थी वो द बॉटल बिकेम हर बेस्ट फ्रेंड बेसिकली, और वो गाना और में वो शो मिस कर जाते रिकॉर्डिंग डेट्स यू नो पीपल वर वेरी शी वाज नॉट एबल टू परफॉर्म अच्छा तो उसमें ये है, मगर फिर क्या हुआ कि अब उनके मियां से खटपट हो गई है, और जिस शख्सियत की वजह से हुई विच इज वहीदा रहमान, उनके जो डायरेक्टर हैं जो गीता दत्त के ब्रदर इन लॉ थे, वो कहने लगे भाई गाने तो आपको ही गाने, तो वो अब आप ये सोचिए थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि ये दिस लेडी इज सिंगिंग सॉन्ग फॉर अ लेडी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रप्टिंग हर मैट्रिमोनियल लाइफ, हाउ डिफिकल्ट दैट वाज। तो हुआ ये द बेस्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, पता चला कि 70 म्यूजिशियन हैं और गीता दत्त आए, गॉड ब्लेस मोहम्मद रफी कि उनको ये पता था कि इस वक्त गीता दत्त कहाँ होंगे, वो गए अपनी गाड़ी में उनको लेके आए, और वो जब पहुंची वहाँ तो वो सेमी इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन, और ये मैं आपको वजाहत से कहता हूँ कि ये गाना आप सुनेंगे इसमें वो सेमी इंटॉक्सिकेटेड थी, और मगर मैं अपनी मेरा सब्र का पैमाना नब्रेज हो चुका, मैंने कहा कि ये गाना एक ही टेक में करवाना है, और म्यूजिशियन को मैंने बांध के रखा हुआ ये गाना एक टेक में रिकॉर्ड हुआ, और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ड्यूएट्स एंड नॉट जस्ट माइन, गुरुदत्त हैज सेड न्यूमरस टाइम्स दैट वाज आल्सो वन ऑफ हिज फेवरेट। तो अब आप ये देखिए और इसके वर्ड्स इसके वर्ड सुनिए उसकी संगत, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट ड्यूएट्स ऑफ बॉलीवुड। पेशे खिदमत है, इसको पेश कर रहे हैं रहमान और दिलीप सर, जिनको आपने शमशान बेगम के रूप में देखा था, अब आप उनको गीता दत्त के रूप में। मंजिल से कहीं दूर हम आज निकल आए, देखिए आपको ये कहाँ लेकर जाते हैं। शुक्रिया।